इस समय भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है, लेकिन भारतीय टीम के कुछ स्टार खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में भी इस समय नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आप चेतेश्वर पुजारा का नाम ले लीजिए, अजिंक्य रहाणे का नाम ले लीजिए, पृथ्वी शॉ का नाम ले लीजिए। अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत इस सीजन शानदार तरीके से की थी, शतक लगाया था, लेकिन अगर पिछले तीन पारियों को देखें तो उनमें से दो ऐसी पारी है जहां पर की खाता भी नहीं खोल पाए और एक पारी में उन्होंने 64 रन बनाया। वहीं पर अगर बात की जाए आपके चेतेश्वर पुजारा की, तो उनके लिए रणजी ट्रॉफी की शुरुआत अच्छी रही नहीं है। एक बार उन्होंने 8 रन बनाए, फिर एक बार 28 रन बनाए, एक बार उन्होंने कुछ नवाद अर्धशतक की पारी खेली। तीसरे नंबर पर आपके पृथ्वी शॉ हैं, जो कि इस समय मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं, और पृथ्वी शॉ की अगर बात करें तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, एक पारी में 9 रन बनाए, एक पारी में आखिरी 3 इनिंग्स की अगर हम बात करें, फिर 44 रन बनाए और एक में 50 रन नवाद बनाए हैं। लेकिन बड़ा बयान आया है इस समय पृथ्वी शॉ का, उन्होंने कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जी आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने साफ साफ कहा है कि क्रिकेट में ये 40-50 रन रणजी ट्रॉफी में मेरे लिए काम करने वाले नहीं है, और मेरे लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी ये काम करने वाले नहीं है। जब तक कि आप बड़े स्कोर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई यू नो वॉच नहीं करेगा, तब तक आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे आगे रन बनाने की जरूरत है। ये 40-50 रन रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखता, ये पृथ्वी शॉ का बयान है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बयान की गहराई को देखें तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी सोचना चाहिए कि वो तो इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं, लेकिन अगर इंडिया दोबारा खेलने का सपना देख रहे हैं तो फिर ये 40-50 रन से काम चलने वाला नहीं है, जो कि पृथ्वी शॉ ने कहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे, पृथ्वी शॉ ने ये बात कही है कि हाँ चलिए अभी 2-2.5 महीने हम लगातार आईपीएल खेलेंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना हम जोहर दिखाएंगे, और उसके बाद जब हम दोबारा यू नो टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने का सपना देखेंगे तो उम्मीद करूंगा कि डोमेस्टिक सीजन में भर भर कर मैं रन बनाऊं और मेरे बल्ले का जो दम है वो दिखे। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि पृथ्वी शॉ का बल्ला चले, उम्मीद करेंगे कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा भी एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर तो पूरी तरीके से फेल हो गए, कम से कम रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक लेवल पर कुछ रन जरूर बनाए। आपको कैसे लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।